अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप लोग बोलेंगे इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, वेयर आई वाज। बेसिकली मेरे एग्जाम्स हो रहे थे एंड आई वाज लिटिल बिट बिजी। अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई एम फ्री राइट नाउ। मतलब अभी भी चल रहे हैं, जनवरी में अगेन वी हैव द एग्जाम, बट जस्ट बियॉन्ड दिस थिंग ये तो चलते रहते हैं। आप लोगों का एग्जाम दोबारा हुआ है, लाइक आपने एग्जाम दोबारा दिया, स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट्स द प्रॉब्लम? कि लोग कह रहे हैं कि शायद दोबारा से थर्ड अटेम्प्ट होगा, लाइक थर्ड टाइम अगैन होगा बिकॉज पेपर लीक हुआ है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, पेपर जो है ना वो हर दफा लीक होता है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब पेपर लीक हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर लीक होता है, ठीक है। और पेपर क्योंकि आप खुद सोचो ना, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो बहुत कुछ होता है, तो अब पेपर लीक होना इज अ नॉर्मल थिंग राइट नाउ, ठीक है। पेपर लीक हुआ है नो डाउट एंड देयर इज अ चांस के थर्ड अटेम्प्ट टू, बट ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज आपके एडमिशन होने हैं, मेडिकल और बीडीएस स्टूडेंट्स ने आना है, न्यू बैच बनना है, न्यू बैच स्टूडेंट्स आएंगे, सो इट्स नॉट पॉसिबल अगैन कि दोबारा से वो लोग सब कुछ लाइक करें। और इतना ज्यादा पैसा लगता है उनका भी, क्योंकि फ्री में तो सब कुछ नहीं हो रहा होता, सो इट्स लिटिल बिट हार्ड। बट कुछ भी हो सकता है फिर भी कहूंगी, लेकिन फिर भी जिन बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के बीमेट में भी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं एंड दे लाइक इनके चांसेस हैं कि वो कर लेंगे। और एक चीज मैंने देखी है कि जो बच्चों ने पहले किया था वही बच्चों ने अब भी करके दिखाया है, एंड मैक्सिमम ऑफ मेरे बैच के भी मैक्सिमम वही स्टूडेंट है जिन्होंने पहले अचीव किया था, एंड नाउ अगेन दे आर यू नो, उनके ऐसे एग्रीगेट आ रहे हैं कि दे हैव बी मोर चांसेस एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट। एंड यही कहूंगी कि एमडीकैट रिपीट नहीं होने वाला है, इस चीज पे मत रहिएगा कि एमडीकैट रिपीट होगा, क्योंकि थर्ड टाइम रिपीट होना इज अ वेरी बिग थिंग। बट जो हो गया, जो आपने किया है, अगर आपकी बहुत अच्छे मार्क्स आए, सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू अ मेडिकल कॉलेज। एंड अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर जो है, अगर आप रिपीट करना चाहते हो तो रिपीट का ऑप्शन इज अ गुड फॉर दो स्टूडेंट जो कि जिनके एफएससी में अच्छे मार्क्स हैं ऑलरेडी, जिनके एफएससी में भी अच्छे मार्क्स नहीं है, जिनके एमडीकैट भी तैयारी भी अच्छी नहीं है, और उसके बाद आप अगेन एमडीकैट रिपीट करने का सोचो, तो दिस इज एज डम्ब एज यू नो, एक बहुत ही कोई बुरा आपका लाइक डिसीजन है इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट। आप जब भी रिपीट करते हो, एक चीज याद रखना कि आपके एफएससी के अंदर मार्क्स इतने अच्छे होने चाहिए कि आप रिपीट करो तो आपको मसला ना हो। बीमेट की वैसे भी रजिस्ट्रेशन ऑन है, लास्ट डेट इज 25 नवंबर, दिस इज द नंबर एंड द क्लासेस वी आर गोइंग टू डू इज सैटरडे एंड संडे, वी हैव द टेस्ट एज वेल, टेस्ट आपके साथ के साथ होंगे और एक टेस्ट सीरीज चलेगी। इसके अलावा वी हैव ऑल द चैप्टर्स इंक्लूडिंग, इसके साथ एक रिविजन सेशन भी रखेंगे जिसके अंदर जो पॉइंट अगर हमारा मिस आउट हो गया तो उसके अंदर हम वो कवर अप करेंगे एंड ऑल दोज थिंग्स। और आपको जो टाइमिंग्स हैं, सैटरडे संडे क्लासेज होगी फॉर 3 मंथ, जो उसकी टाइमिंग्स हैं दे आर वेरी सिंपल, लाइक मैं आपको फ्राइडे को स्केड्यूल देती हूँ एवरी फ्राइडे एंड देन यू हैव टू फॉलो दैट स्केड्यूल, सैटरडे संडे और मंडे अगर टेस्ट वी हैव, तो दिस इज हाउ वी मूविंग। बाकी ऑल डिटेल्स यू गाइज कैन आस्क मी इन हेयर एंड दिस इज अ नंबर, सो फीस इज 3500, दैट्स वेरी कम्फर्टेबल फॉर एवरी वन, सो आई थिंक दिस इज द वेरी गुड चांस जो कि आप लोगों को है। आपको फ्री गाइडेंस मिल रही है, आपको फ्री बहुत सारी चीजें, गाइडेंस आपको मिल रही है, आपको रिविजन हो रहा है, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मैं आपके साथ वीडियोज में शेयर कर रही हूँ एंड यू विल गेट ऑल इन वन, और चार्जेस बिल्कुल एक नॉर्मल है। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि अगर हम अकेडमी ज्वाइन कर चुके हैं तो उसके बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो येस यू गाइज कैन डू इट। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं अपने टाइम पे थी तो मैंने हर जगह, मतलब जो मुझे लगा था कि ये जगह सही है, तो मैंने एनरोल किया था खुद को, मतलब आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क, तो आई एम सेइंग एवरी वन आउट देयर कि रिस्क नहीं लें। बहुत सारे पॉइंट जो मैं बताऊंगी, हो सकता है आपके अकेडमी में वो ना बताएं, ठीक है। तो आप लोग अगर अकेडमी जाते हैं और उसके बाद आपको लग रहा है कि आप ज्वाइन करें ना करें, तो आप कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारी क्लासेस जो है रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है एंड आई गिव यू द रिकॉर्डिंग एंड वट एवर एंड दी साइड बाई साइड वी विल मेक द नोट्स ऑफ द रिविजन थिंग्स एंड मैनी मोर, सो दिस इज ऑल। सो यू गैस कैन एनरोल योर सेल्फ इन बैच बी, लास्ट डेट इज 25, आफ्टर दैट आई नॉट एड। बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं ऑलरेडी बैच बी में, दिसंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। So it's all and Allah Hafiz, take care.